ना दूध, ना मावा, ना घी और ना ही गैस जलाना। जी हाँ, बिना गैस जलाए हमने इस मिठाई को बना के तैयार किया है और देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर देख सकते हैं, जैसे कि हम मार्केट से मिठाई लेके आते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर है। और इसका टेस्ट तो इतना मज़ेदार है, इतना ये मलाईदार, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से ये मिठाई बन के तैयार होता है। मुँह में जाते ही ये मिठाई बिल्कुल घुल सा जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक मिठाई को तोड़ करके, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। कोई देख के ये कह ही नहीं सकता कि इसे हमने घर पर बनाया हुआ है। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये मिठाई बनके तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी और दानेदार सी बर्फी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप चीनी। इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे और 2 इलायची डाल लेते हैं, और इसका हमें बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार करना है। फ्रेंड्स आप जिस कटोरी या कप से मेजरमेंट चीनी का ले रहे हैं उसी से आपको बाकी सारे भी मेजरमेंट्स लेने हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुका है। फ्रेंड्स यहाँ आपको ध्यान रखना है कि चीनी को बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाना है। अगर चीनी जो है अच्छी तरह से नहीं पिसेगी तो मिठाई में थोड़ा दरदरा सा टेस्ट आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो चीनी को बिल्कुल अच्छी तरह से ज़रूर पीस, या तो आप चीनी को पीसने के बाद उसे छन्नी से छान लें। यहाँ हमने लिया है 1/2 कप मूंगफली। तो मूंगफली को हमने पहले से ही रोस्ट किया हुआ लिया है और इसका छिलका भी निकाल लिया है। अब हमने इसमें 1/4 कप लिया है काजू। काजू से इस मिठाई का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आप काजू नहीं डालना चाहें तो भी ये मिठाई आसानी से बन जाती है। यहाँ हमने 1/2 कप ले लिया है नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा मार्केट में बहुत ही ईजीली अवेलेबल होता है और इससे मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। तो अब इस पेस्ट को भी हम डाल लेते हैं चीनी के पाउडर में, और देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो मिठाई है हमने इसे बिना गैस जलाए ही बनाना है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। 1/4 कप हम इसमें मिल्क पाउडर डाल लेते हैं। मिल्क पाउडर से इसमें मावे वाला टेस्ट आता है और मिठाई जो है वो मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। फ्रेंड्स अब इस सबको अच्छी तरह से हम मिला ले रहे हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसे आटे की तरफ बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, हल्के हाथों से बस इस तरह से आप इसे मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स अब इसे हम बाइंड करने के लिए इसमें डाल लेते हैं मलाई। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो मलाई है वो आपको 2 से 3 दिन की मलाई लेनी है। बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई अगर लेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं रहता है। फ्रेंड्स मलाई डालने से हमारी जो बर्फी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। ये जो मलाई है वो वही मलाई है जो कि हम दूध जब उबालते हैं उसमें जो मलाई आ जाती है ये वही मलाई है। तो आपको ज़्यादा पुरानी मलाई का इसमें यूज़ नहीं करना है, 2 से 3 दिन की मलाई आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मलाई नहीं है तो इसके जगह आप दूध का यूज़ कर सकते हैं, और दूध अगर आप यूज़ कर रहे तो उसके साथ आपको घी का भी यूज़ करना होगा। तो 1 चम्मच आप घी डाल लें और ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध डाल के आप इसे मिक्स कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें मलाई का ही यूज़ करें, क्योंकि मलाई से ये जो हमारी मिठाई बनती है ना वो बहुत ही मलाईदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप मलाई का ही इसमें यूज़ करें। और इस तरह से हमने इसे बिल्कुल डो की तरह बना लिया है। ये देखिए हल्के हाथों से ही हमने इसे गूँथा है और इसमें काफ़ी अच्छा बाइंडिंग भी आ चुका है। ये देख सकते हैं ना फ्रेंड्स बिल्कुल ये मावे की तरह इसका टेक्सचर आ रहा है। खाने में भी ये मिठाई जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स किसी भी प्लेट का या तो फिर कंटेनर को आप घी से ग्रीस कर लें और इस तरह से इस बर्फी को सेट कर लें। तो चम्मच से दबाते हुए हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। और अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेते हैं, जिससे कि ये जो बर्फी है बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाती है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने 1/2 घंटे के बाद इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये हमारी जो बर्फी ना बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो गई है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जो मिठाई बनती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। फ्रेंड्स आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आप देख सकते हैं इसे हमने बिना गैस जलाए बनाए हैं, कम समय में ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमने इसे गार्निश करने के लिए इस तरह से चांदी का वर्क लगाया है। तो आप अगर ये चांदी वर्क लगाना चाहे तो लगाएं, या तो फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, काटने से ही आपको पता चल रहा है कि ये कितनी अच्छी तरह से सेट हुआ है और ना ही ये बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा इधर उधर। देख सकते हैं बिल्कुल ये मार्केट की बर्फ़ी की तरह ही ये सेट हुआ है। ये देखिए इसका कितना दानेदार सा टेक्सचर आया हुआ है, जैसे कि हमने इस मिठाई को मार्केट से ख़रीद के लाया, बिल्कुल वैसा ही ये दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, और खाने में तो इतना टेस्टी है कि क्या बताएं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसे बिना पकाए ही बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, हमने इसे बिना गैस जलाए बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कच्चा सा टेस्ट आने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत ही मलाईदार, बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा इसमें टेस्ट आता है, क्योंकि हमने इसमें मलाई का यूज़ किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बर्फ़ी है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से बन के तैयार हुई है। खाने में तो इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है कि जैसे आप इसे बनाएंगे वैसे ही घर के सारे मेम्बर्स इसे खा के ख़त्म करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये बहुत ही यमी डिलीशियस सी बर्फ़ी की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।